पोएम शेयर कर दीजिएगा, नहीं ना लेट इट बी, रिस्पेक्ट हिज व्यू। अपन कहते हैं बोलून दाखो, बिल्कुल असच है, भित्रा है, डोंट से त्याला भीती वाटते भित्रा है ते आहे, नो, कारण त्याच्या मोरालवर त्याचा इम्पॅक्ट पडतो आणि ते खूप डेंजरस आहे। नंबर वन, गिव्ह देम पॉवर टू लीडरशिप, चार चौघे आई बहिणी असतील त्यांना लीडरशिप द्या, पुढे जा चला आता तुम्ही पुढे जा बेटा, तू मोठा झालाय ते वर्क करा। हा प्रॉब्लेम केव्हा होतो, जब पहला बेटा होता है तब हम बहुत खुश है, उसको बड़ा बड़ा छोनू 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 बोल देते, दोन तीन वर्षांनी त्याचा लहान भाऊ किंवा बहीण होते, पहिल्याला असा वाटतो की कंपेरिजन, कारण लहानच मुलगा राहतो बिचारा, त्याला एकदम आपण सडनली त्याला प्रमोशन देतो आणि तो प्रमोशन त्याला डिमोशन सारखा वाटतो, अब तुम बड़े हो गए ऐसा नहीं करना। तो आपने देखा होगा बड़े भाई अपने छोटे बहनों को कभी नोचते हैं, मारते हैं, कंप्लेंट देता जाता कि लहान बहिणीला तो मारत राहतो, खूब कंपेयर करतो, कारण त्याला जो आधी पूर्ण लाड पूर्ण वेळ कॉन्सन्ट्रेशन मिळायचा त्याला असं वाटतं की तो डिवाइड झालेला आहे। तर दुसरा जेव्हा मूल आपण जन्माला आणतो किंवा वेन आवर सेकंड चाइल्ड इज देअर, ही खूप मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्यावर आहे की आपण लक्ष दिलं पाहिजे की पहिल्याला निग्लेक्टेड नाही वाटायला पाहिजे, यू शुड नॉट कम्पेअर। आणि त्यासाठी अरे बेटा बड़े है, सडनली आप बड़े बड़े बोल के उसको इतना निग्लेक्ट करते कि उसको लगता मैं बड़ा हुआ ही क्यों। नंबर दोन महिन्यापूर्वी तो लहान होता आणि एकदम तो मोठा झाला आणि मला त्याचे जे कंपेरिजन होतात तो पॉइंट लक्षात ठेवायचा आपल्याला, बेटा यू हॅव टू लुक आफ्टर यंगर ब्रदर, छोट्या ताईकडे लक्षात ठेव किंवा दादाकडे लक्षात ठेव, वेन यू मेक दॅट ऑटोमॅटिकली थिंग्स बिकम्स इझी। अवॉइड वॉकिंग आय डन, चालताना त्यांच्या समोर धावून चालण्याची पद्धत थोडी बंद करा। काय करतो आपण चालताना, आपलं लक्ष राहते, आपण पुढे पुढे धावतो, मुलं मागे येऊन जातात, हात पकडून सोबत चाला आणि त्यांना नेहमी डावीकडे ठेवा, लेफ्ट हँड साइड में, जहां से ट्रैफिक ना है, लोग चालताना लक्षात नाही त्यांना उजवीकडे ठेवतात जिथे ट्रैफिक आ रहा है, बच्चे को साउंड से डरता है, ही शुड फील सेफ ऑन द हार्ड साइड, इट शुड बी देयर, प्लीज टॉक विथ देम, त्यांच्या समोर जाऊ नका, ते घाबरून जातात पुष्कळदा कि ते कुठून पडून जात आहेत, त्यांच्या सोबत चला, दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, फील देम विथ योर एप्रिसिएशन, जब जब होगा उनकी तारीफ करते रहिए, अवॉइड पुटिंग युअर फीट अप इन फ्रंट विथ देम, उनके बारे में बुरा मत बोलिए, डोंट स्पीक इल अबाउट देम लाइक दैट, अवॉइड सीमिंग बोर्ड, त्यांच्याशी खेळताना असा चेहरा पाळून बसणे है ना, बिल्कुल असा परेशान रहना वो दिखाना छोड़ दीजिए करके, अवॉइड लाफिंग एट देयर फॉल्ट्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे काही मिस्टेक्स करतात तर त्यांच्यावर जोरात हसू नका, त्यांचा मन दुखू शकतो वर्कआउटला, कई बार हम उन पे जोर के हसते हैं, कमेंट करते हैं, समझा नहीं क्या करके, इट कैन हार्म देयर इमोशंस, त्यांना जे नाव आवडतं त्या नावाने त्यांना हाक मारा, दॅट इज देअर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, अँड मेक दॅम युअर प्रायोरिटी, एनिथिंग अँड एव्हरीथिंग अबाउट, बिकॉज पॅरेंटिंग इज अन आर्ट, इट इज नॉट अ जॉब, एक कला है, कोई नौकरी नहीं है कि आपको 10 से 6 या 9 बजे से 6 बजे तक करनी है, या सगळ्या गोष्टी जेव्हा होतील आपोआप आत्मीयता वाढून इट विल बिकम एन अफेक्शन अटेक्शन इन दॅट रिगार्ड। माय डियर पेरेंट्स, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम उनको वो चीज मोस्ट क्वालिटी चीज नहीं दे पाते जो है समय। अगर आपको समय की आप इज्जत करते हैं तो समय अपने आप आपकी इज्जत करेगा। आइंस्टाइन, इफ यू टेक अ वर्ड आईक्यू यू विल गेट अ पिक्चर ऑफ आइंस्टाइन, इफ यू जस्ट से whenever he said that the work of an IQ, Einstein was about 154, the IQ of Einstein. Lekin this Einstein was thrown out of school for being a retarded like that. He said that it's not working. He was having a deficiency in learning. Say every great people, they have failed up in that regard, they have career like that. So failure is a part of success. Let them ask to be, it will be common. Achhi baat hai, koi baat nahi, bahut koi bada gunah azim nahi hua. और ये तब होगा जब आप उनको समय की कीमत समझाएंगे। आपको समय की कीमत करते आनी चाहिए। आज मैं आपको समय की व्याख्या बता देता हूं, एक सुंदर परिभाषा है, वो गांठ बांध ले अपने जीवन में और अपने बच्चों को भी बांधने लगाए करके कि समय क्या है, क्योंकि समय काफी तेजी से भागा जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि पहले आपने इंतजार किया और ज्यादा इंतजार किया, क्योंकि सुनने वाले सहना शुरू नहीं करना चाहिए। तो सुनने वालों और सहने वालों, समय की परिभाषा ले लेते हैं कि समय क्या है। समय एक सुंदर कमनीय युवक है, लाइक ए ग्रीक गॉड, कमनी लाइक ए गुड फिगर, एवरीथिंग लाइक दैट, है लाइक ए ग्रीक गॉड। जरा ध्यान से सुनिएगा, टिल एंड लक्षा ठेवा, समय एक सुंदर कमनीय युवक है जिसका चेहरा लंबे केशों से, लंबे बालों से ढका हुआ है और जिसका सिर पीछे से गंजा है।
इमेजिन कीजिए सामने बड़े बड़े बाल है और इसका सिर पीछे से गंजा है, जिसके पैरों में पंख लगे हुए हैं और हाथों में छुरी जैसी पहनी चीज है। किसी ने पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं समय हूं। तुम्हारा चेहरा लंबे केशों से लंबे बालों से क्यों ढका हुआ है, जो चाहे मुझे सामने से पकड़ ले, क्योंकि मैं किसी को नजर नहीं आता। अपॉर्चुनिटी, पहले कहते अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर बट वंस, मौका कभी कभी मिलता है, आजकल मौका मिलता ही नहीं, मौका लेना पड़ता है, मौका सामने से लेना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर बट वंस, मैं किसी को नजर नहीं आता, जो चाहे मुझे सामने से पकड़ ले। और तुम्हारा सिर पीछे से गंजा क्यों है, क्योंकि मैं एक बार चला जाऊं तो किसी के हाथ नहीं आता, एक बार टाइम चला जाए तो किसी के हाथ में नहीं आता, आता है कि टाइम चला गया तो हो गया। आप बैठे क्या, नहीं बैठे क्या, आपने सुना नहीं सुना, आपने सा 5:55 बज गए और हरुण बाजले की 12। तुम्हारे पैरों में पंख क्यों है, क्योंकि मैं सदैव गतिमान हूं। टाइम इज ऑलवेज मूविंग, वो किसी के लिए रुकता नहीं है, ना सत्य के लिए, ना दुख के लिए, ना असत्य के लिए, ना सुख के लिए, दुख के लिए रुकता नहीं है। टाइम इज ऑलवेज मूविंग। और तुम्हारे हाथों में छुरी जैसी पहनी चीज क्यों है, क्योंकि मेरे वार से, मेरी धार से कोई भी बच नहीं सकता, ना समय की वार से आप बच पाएंगे, ना हम बच पाएंगे। धीरे धीरे जिस रूप यौवन पे हमको घमंड है वही गायब हो जाएगा। हम खुद हमारे फोटो देखेंगे, हमारे बच्चे खुद पूछेंगे पापा ये फोटो किसका है, बोलेंगे मेरा है, और आप कौन है, फिर बुढ़ापे में खुद बोलेंगे कौन है, हमारे फोटो हमको ही पहचान में आएंगे। ये सुनो, कुछ लोगों के आप कभी तो भी आप बाल बनाते रहेंगे, कुछ दिनों बाद एक रजत केश, एक पांडर केश बाहर झाकेगा, आप बोलेंगे चल झूठा, उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे। दूसरे दिन वो अपने बंधु के साथ आएगा, वो दोनों को हटाएंगे। तीसरे दिन सह कुटुंब सह परिवार आएगा। अभी आप काले बालों में सफेद बाल ढूंढते हैं, कुछ लोग सफेद बाल में काले बाल ढूंढेंगे, कुछ लोग तो बाल भी ढूंढेंगे, कुछ लोग ये प्लॉट के हिसाब से खाली होंगे, कुछ लोग एकड़ के हिसाब से खाली होंगे। ये सुनो, डाई करा, मेहंदी करा, ते करा, पर आपला चेहरा आपने लक्षा देना नहीं, समय की क्रिया चलती रहेगी। तो जीवन क्या है, चलता फिरता है, खिलौना है, दो आंखों में एक से हंसना एक से रोना है, जो जी चाहे वो मिल जाए कब ऐसा होता है। हर जीवन जीवन जीने का समझौता होता है, आती सांस को पाना है और जाती सांस को खोना है। आपका अचीवमेंट क्या है और लॉस अचीवमेंट क्या है, हर आती भी सांस के साथ आ रही है, हर जाती भी सांस के साथ जिंदगी जा रही है। ये आपको समझ में आ जाए कि इस आते जाते में आप जीत रहे हैं वो मैटर। और ये बच्चों की नेचुरल साइकोलॉजी की, उसको अगर जब सपोर्ट चाहिए, पहला सवाल था कि वाला आधार पाहिजे, शक्ति पाहिजे, तो वडिलांची आठवण काढतो, म्हणजे तो घाबरला तो काय म्हणतो बापरे, आणि लागल्यावर आई ग। जेव्हा त्याला प्रेम पाहिजे, वात्सल्य पाहिजे, त्याच्या तोंडातून मुखातून काय निघते आई ग, आणि जेव्हा तो घाबरतो म्हणतो बापरे। जब उसको सपोर्ट चाहिए तो नॅचरली मुलाला बापरे आणि आई ग, म्हणजे आई वडील दोघेही आणि दोघांचा प्रेम आणि सामंजस्यपणा लागतो, दॅट इज रिक्वायर्ड। आणि हे देताना आपण लक्ष दिलं पाहिजे की आपण बरोबरीने देतोय का त्यांना, आपण कुठे चुकत नाही होत ना, कारण हे ऍडमिनिस्ट्रेशन करताना आपण जास्त देत नाही की कमी देत नाही, जास्त देण्याच्या जिद्दीमध्ये कुठे आपलं चुकत नाहीये ना। आणि कोणत्याही गोष्टीला, दोन गोष्टीने आपण जिंकू शकतो, ते म्हणजे प्रेम आणि आस्था। आप प्रेम और आस्था से बच्चों को बनाइए, बच्चे चलो बहुत कामयाब होंगे, बहुत ऊंचाई जाएंगे, इट विल गो लॉन्ग वे, बहुत फैक्टर्स आगे जाएंगे। और हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, मित्रों ने बोला भाई डरना नहीं। आज शिवाजी महाराजांकडून ऍडमिनिस्ट्रेशन मॅनेजमेंट याचे धडे घेण्यासाठी कितीतरी गोष्टी आहेत, पर कोई मॅनेजमेंट चॅप्टर आहेच नाही हिस्ट्रीमध्येच नाही। कम रिसोर्सेस में, किती कमी रिसोर्सात मध्ये त्यांनी किती मोठं हिंदवी स्वराज स्थापित केलेलं आहे, हे किती मोठी गोष्ट आहे, हे विद्यार्थ्यांना सांगण्यासाठी मॅनेजमेंट पॅटर्न ने पाहिजे। फक्त पॉइंट बुलेट पॉइंट प्रेझेंटेशन करू नका, शिक्षकांनी त्यांनी सांगा की हे लोक का मोठे आहेत, त्यांचे स्किल्स काय आहेत, आणि त्या स्किल्स मध्ये तुम्ही स्टडी करा वर्कआउटला। त्यांना फक्त अभिमान नव्हता, त्यांना स्वाभिमान पण होता, आणि ते स्वाभिमान कसा जागवायचा आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये, आपल्या मुलांमध्ये, ही खूप मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। तर ते एखादी जयंती साजरी करून आल्यानंतर त्यांना विचार
वो आम आदमी जिंदगी भर रहा, केजरीवाल नहीं है पर आजकल आम आदमी बोलना भी प्रॉब्लम है मुझे सांग। पीछे बेटा चौथ्या मित्राने विचार केला आजपासून कोणत्याच कार्यक्रमाला जायचं नाही, कानाला खडा, लोक शिवाजी उठवतात काहीच नाही। तो आयुष्यभर न्यूनगंड पाडून नेगेटिव्ह पेसिमिस्ट रह के वो आदमी बना रहा। एक ही क्रिया चार लोगों पे हुई, चार मित्रांवर एकच क्रिया झाली, पण जी प्रतिक्रिया त्यांनी वेगवेगळी दिली त्या प्रतिक्रियेने त्यांचं जीवन तसं फिरलंय। करेक्ट रिएक्शन देते आणि ची ऍक्शन हमारे हाथ में नहीं है, करेक्ट प्रतिक्रिया, आणि ती प्रतिक्रिया शिकवणे आई वडिलांचं काम आहे, ती करेक्ट प्रतिक्रिया शिकवणे शिक्षकांचं काम आहे। आणि जेव्हा आपण त्यांना करेक्ट रिएक्शन्स, लाईव्ह रिएक्शन्स, ऑप्टिमिस्टिक रिएक्शन्स, सकारात्मक रिएक्शन्स, क्रिएटिव्ह पॉझिटिव्ह इनोव्हेटिव्ह रिएक्शन शिकवतो, आपोआप ती मुलं खडत जातात। आपण म्हणतो मुलं हे देवाघरची जेव्हा आपण लहानपणा म्हणतो की चॉकलेट खायची नाही म्हणतात, पण स्वतः आपल्या नातवासाठी आणतात, आपण म्हणतो नाही खाऊ खाऊ दे रे तुला काय है ना। आजी आजोबा जे आहेत वो सबसे जहां घर पे जो दादा दादी रहते वो सबसे ज्यादा बच्चों को लाड करने में और बोलते ना बिगाड़ने में सबसे नंबर वन रहते, पर बिना दादा दादी के तो काम चलता ही नहीं, ये सब उनके पास देखिए। पर वो क्यों, उनका हक है वो बिगाड़ने का, क्योंकि असल से प्यारा ब्याज रहता तो इंटरेस्ट है ना त्यांचा, तुम्ही मूल आहे आप, बेसिक है वो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट में तो आदमी को ज्यादा इंटरेस्ट रहता ही है, ये सो नो। तो ते आला नंतर आजी आजोबा पण, आजी आजोबा खूप इम्पॉर्टंट घटक है, कारण मुले जे आहेत ते आपले आई वडील कोण ऐकणार नाही, ते आजी आजोबा कोण ऐकून घेतात। त्यांच्या शाळेचे जे मिस आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट असतात, हालांकि वो मिसेस रही फिर भी बच्चों को मिस ही बोलते, जसं तो पण आपल्या इंग्रजीचा एक मोठा भागच आहे म्हणा, है ना। स्कूल की टीचर को बहुत बड़ा फायदा वो भी है, पहुंचाने के लिए वो गुरु चाहिए, गुरु का सम्मान करके रखिए। गुरु यानी क्या होता है संस्कृत में, गुरु दैट इज अ डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, जो अंधकार को भगा देता है, जो अंधारातून तुम्हाला प्रकाशाकडे नेतो त्याला आपण गुरु म्हणतो। यूएस में जाएंगे तो वहां पे टीचर टीचर वगैरह सर वगैरह जो भी होते हैं वहां पे थे मिस्टर टिम्बरलेक, मिस्टर जॉन, मिस्टर स्मिथ, उनके मिस्टर वो किसको देते हैं, है ना, जो भी सर वगैरह होंगे कमाना पड़ेगा आपको। आपके सर्वे सर है संस्कृति आपके में आएगी करके आएगी तो चीजें अपने आप साफ होते रहेंगी, और ये संस्कृत
ये संस्कृति आना ही है, बच्चों को आदर भाव आना ही है, अपने आप में ये बहुत बड़ी है। ऑटोमेटिकली अवर जनरेशन गेट्स ट्रांसेंडेंट, अपने आप ये जनरेशन बदलना शुरू हो जाती है। तर आपण सगळ्यात पहिले हा प्रयास केला पाहिजे की ते खूप प्रामाणिकपणे आपल्या मुलांशी वागलं पाहिजे आणि त्यांच्याशी बोलताना आपण प्रेमाने बोललं पाहिजे, आणि जेव्हा प्रेमाने बोलतो आणि जसे आपण बोलतो तसेच वागतो आणि त्यांना फर्स्ट प्रायोरिटी देतो काहीही प्रॉब्लेम होणार नाही। अफकोर्स काही गोष्टी पुढे मागल्या जातात, लोक म्हणतात तर आजकाल खूप धकाधकीचं युग आहे, कॉम्पिटिशनचं युग आहे, ते पुढे सर्व्हाइव्ह करणार नाही, टफ आहे, खूप सर्व्हाइव्ह करते लोक। पहले जितने आई आई टी थे उससे ज़्यादा आई आई टी हो चुकी अभी, और हर साल मिनिमम छः आई आई टी तो खोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर लाइक दैट मोर आई आई टीज आई आई टी से फक्त इंजीनियरिंग मेडिकल फील्ड है, खूब फील्ड्स है, एडवांस फील्ड्स है वर्कआउट इन दैट रिगार्ड। कई पेरेंट्स अपने कहीं सोचा है कि बच्चे को लेके आए आई फाइंड इट कि त्याचा टैलेंट लिंग्विस्टिक मध्ये होता, काही वडिलांनी त्याला तोच दिलं होतं की गेम द ट्रेनिंग, त्याला फॉरेन लँग्वेज चायनीज मध्ये दिलं, तो गुगल मध्ये आज त्याचा पॅकेज 80 लाख रुपये वर्कआउटला। आता लहान दुसऱ्या मुलाच्या वेळेचे परत आले त्याला सांगितलं त्याला फॉरेन लँग्वेज करायचं, पण तो आता इंजिनमध्ये इंटरेस्टेड आहे, पण त्यांच्या असं वाटतं की आता पॅकेज तो चांगला 80 लाखाचा, तर मला तो 80 लाखाचा पॅकेज करायला पाहिजे। पॅकेज पाहू नका, त्याचा पर्सनल इंटरेस्ट कसा आहे, त्याचा एम्पिजन कशामध्ये आहे ते पहा। ऑटोमॅटिकली मुलं खरं सांगेल आपला देश करत आहे, आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट दिवस आम्ही मोस्ट हॅपी आहे डेव्हलप आहे, क्योंकि घर में जहाँ पर फाइल होता है कि उसकी बेटी की जाती है, लोकाना लक्ष्मी मुझे उसे लक्ष्मी करते हैं, तो पैसा नहीं लक्ष्मी है, लक्ष्मी पर हाथ तरह की है, विद्या लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, गति लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, अनक से संतान लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप है, पर आप लक्ष्मी एक करते हैं, आज तो 2000 रुपये मदद करते हो ना, 5000 बन जाने वाले करते, पण लक्ष्मी ती नाही आहे, लक्ष्मी म्हणजे देवाने दिलेली सत्ता लक्ष्मी, अशी लक्ष्मी सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, आणि त्याचं जतन पालन आणि पोषण आपण केलं पाहिजे, पण गलत न करत आपण कुठेतरी सोशल मध्ये आता करत नाही। अल्टिमेट वाजपेयी जी लक्ष्मी जनता में कहा था कि हम पड़ाव को लक्ष्य न समझे, लक्ष्य हुआ आंखों से उजर, वर्तमान के मोह पास न भविष्य को ना भुलाएं, आओ एक नया दीपक जलाएं। आइए कोशिश करें आज इस दिन में समय के लिए कि हम अपने बच्चों को एक उज्ज्वल एक नया भविष्य दें, ताकि वो जीवन बहुत आगे जाए। मैं आपके अध्ययन से अनुशन पढ़ना चाहूँगा जबकि और यहाँ पे पूर्ण विराम देना चाहेंगे, कि समय का पहिया बढ़ता जा रहा है, लगता है कि रात के समय में बच्चे भी ठंडी में बैठे हुए हैं। वाजपेयी दुष्यंत कुमार चाहिए बहुत सुंदर पक्षियाँ हैं, ये बात आप ध्यान रखें। मेरे ख्याल से आपने जब दुष्यंत कुमार चाय की बात को हमने सुना है या बच्चों के बारे में सबके बारे में सुना है, जब मैं हो गई घर की पर्वत की गली चाहिए, मैंने कहा था बच्चों के मन से आपसे ज़्यादा बोल जाए, हो गई है कि पर्वत की गली चाहिए, जिस समय से भी कोई गंगा नहीं चली, मेरे सीने में ना चली तेरे सीने में चली, हो गई भी आ गई थी आग चलने, सिर्फ हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं, मेरा एक कोशिश के मकसद नहीं कि आप आए और केवल तालियां बजाए और केवल हंगामा मचा के चलने, आगे भी चीज़ों को आप चलें समझें और एक हम अच्छे पालने और पालक के पीछे एक संबंध स्थापित कर सकें, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और गहरा है। हो गई है पीड़ पर्वत की जमीन चाहिए, इस जमीन से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं की आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, हो गई है पीड़ पर्वत की जमीन चाहिए, इस जमीन से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस जमीन से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आई हार्डली कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ आई एम पब्लिक स्कूल फॉर बीइंग वेरी एक्सलेंट एंड अ वेरी नाइस स्टेशन, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ किशन डी माननीय बबन दादी शिंदे जय और सारे आयोजकों का, उन्होंने ये मौका दिया कि आपके साथ रूबरू होकर बात कर पाए। समय बहुत ज़्यादा सीमा है और विषय बहुत गहरा है, और आदमी में बहुत सारी जो बातें करती हैं वो रूबरू सामने सामने बोल सकती है करके, तर मोटे वेजे साठी पण काही ठेवायला पाहिजे, आणि याला आपण आघात म्हणून या अंजामने आने वाले दिनों के लिए लक्ष्य है, तो उसको हम आघात करेंगे अंजाम डेफिनेटली, आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये डेफिनेटली आपली भेट होईल, आणि आपण नव्या विषयावर आणि या विषयाला पुढे घेऊ,
और गहराई से और हार्दिक से बात करेंगे। आपके सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीष, आप सभी के बच्चे बहुत आगे जाएं, बहुत कामयाब रहें, वो छुए बुलंदियों को छुए जो छूना चाहते हैं, भगवान उन्हें सुख समाधान समृद्धि प्रदान करें। एंड यू ऑल आर रियली वेरी लकी पेरेंट्स टू बी सच अ गुड इंस्टीट्यूट, इट्स सच अ गुड प्लेस अमंग सच अ गुड पीपल। आई रियली फील प्राउड अबाउट यू, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट एंड विश द ऑलमाइटी गॉड द चॉइसेस ब्लेसिंग ऑन यू इन द लास्ट वीक ऑफ सक्सेस नॉर्मल डे। See you next meeting till that time. Thank you. Good night. Tabak hai. Thank you. म्हणून आज जर आमच्या कारणाने या ठिकाणी मी आपले आभार मानण्यासाठी योग आहे। आजच्या या शैक्षणिक उपक्रमात आपला बहुमूल्य वेळ देऊन कार्यक्रमाची शोभा वाढवल्याबद्दल तालुक्याचे भाग्य विद्यार्थी रोग विकासरत्न माननीय आमदार श्री बबनदादा शिंदे यांचंही मी आर्य पब्लिक स्कूलच्या वतीने आभार मानतो। तसेच ज्याच्या अमृतवाणीने आजची ही संध्याकाळ सार्थकी लागली असेल माननीय डॉक्टर श्री विक्रमसिंह पातुरेकर यांचेही संस्थेच्या वतीने आभार मानतो। तसेच या ठिकाणी आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्या जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष डॉक्टर सौशिरंदा माळी मॅडम यांचेही मी आभार मानतो। तसेच आजच्या कार्यक्रमाला आमच्या विनंतीस मान देऊन उपस्थित असणारे पंचायतीचे सभापती, उपसभापती, सदस्य, शिक्षणाधिकारी, रेल्वे अधिकारी व विविध गावचे सरपंच, उपसरपंच, पदाधिकारी, मारुतहार, डॉक्टर, रोटरी क्लब टेंबोली, रोटरी क्लब कुलडोळी, इनरवील क्लब कुलडोळी, तसेच गंगाबाई नगर साखर कारखाना, सेवक साखर कारखाना, महिला साखर कारखाना, दूधगिरणीचे अधिकारी व पदाधिकारी, मारेश्वरी बँक माडा, मारेश्वरी बँक टेंबोली, मोहित बँकेचे सर्व पदाधिकारी आणि आमचा सर्वात मोठे हितेशन प्रभू वेळोवेळी सहकार्य करून शाळेच्या प्रगतीमध्ये हातभार लावणारे आमचे पालक या सर्वांचाही शाळेच्या वतीने आभार मानतो। यांचेही मी आभार मानतो। डिजिटल एज्युकेशन अँड बिझनेस इन्स्टिट्यूट गोपाळपूरचे अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सी व्ही नाडागौडा सर यांचेही मी आभार मानतो। शेवटी हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी दिवसरात्र लक्षणाऱ्या संस्थेच्या प्रकल्प संचालिका प्रोफेसर परवीन जमादार मॅडम, प्राचार्य मुलानी सर या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेही मी आभार मानतो। धन्यवाद। कृपया सर्वांनी आपल्या जागी बिग बॉस हिंदी बिना बोली
Thank you.